बहुत एक्साइटमेंट है त्रिभुवन मिश्रा से टॉपर 18 जुलाई हाउ टू पुल समथिंग अप एंड येट मेक समवन लाफ दैट इज रियली द जीनियस ऑफ पुनीत कृष्णा आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद यू नो फिल्म्स अबाउट मेन बाय मेन फॉर मेन बट इट वुड बी नाइस इफ यू सॉ मेन हु आर रियल अगर आपको औरतों में इंटरेस्ट नहीं है तो हमें सपोर्टिंग कैरेक्टर्स या जस्ट ऐसे स्पेस फिल करने के लिए डेकोरेशन के लिए

लगे हुए हैं कि कैसे भी हर जगह हर आदमी तक ये शो पहुँचे मतलब सी ए टॉपर है मतलब वो एक्सीडेंटल है कि उसका प्रोफेशन सी है डॉक्टर भी हो सकता था वो इंजीनियर भी, भी, भी हो सकता था बट शो से उसका कोई ऐसा बहुत भारी संबंध नहीं है बट वो नाम एक्चुअली शो लिखने के पहले पुनीत भाई के दिमाग में आ गया था त्रिभुवन मिश्रा सी ए टॉपर तो वो नाम बहुत अद्भुत है कैरेक्टर का नाम बिंदी जैन है आ... वो शादीशुदा है और उनके हस्बैंड एक हलवाई हैं बाकी आप देखिए वो पका क्या रहे हैं उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा कि किस तरह के हलवाई हैं <laughs> और काफ़ी मज़ेदार है और ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में मैंने बहुत कम देखे हैं कि औरतों की जो डिज़ायर्स हैं उसको किस तरह से पेश किया गया है इस शो में आ, बिना किसी झिझक और एक आ, लिखने में जो एक औरत के कैरेक्टर में की, की जो डिग्निटी है एक रिस्पेक्ट है आ, उसको उसको इतना मज़बूत रखना और उस उसके बावजूद हंसाना भी आ, दिस इज़ अ वेरी रेयर yeah. कॉम्बिनेशन यू you नो know? बिकॉज ऑफ वी मेक अ जोक ऑफ सम थी हैव टू पुल डाउन समथिंग बट हाउ टू पुल समथिंग अपट मेक समट इज द जीनियस कृष्णा मुझे ऐसा लगता है कि ये हम 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 सब लोग जैसे जैसे हम लोग जब गैंगस्टर की फिल्म देखते हैं कि एक आदमी जो है डिस्परेशन में गैंगस्टर बन गया या सुपारी लेने लगा हमको वो ओके okay लगता है लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट है इसमें वो अपने घर को बचाने के लिए अपने जॉब के प्रति सीए के प्रति ईमानदारी के लिए वो तय करता है कि मैं ये ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊंगा भले मुझे उसके लिए अपना शरीर क्यों ना बेचना पड़े तो वो एक्चुअली अपने जॉब की अथाह रिस्पेक्ट है कि वहाँ वो गलती नहीं करेगा और अपने परिवार के प्रति अथाह प्रेम है जहाँ वो नहीं करेगा तो ये ऑल्सो ये सब इसलिए भी किया गया है टू मेक पीपल एंटरटेन कि लोगों को उतना एंटरटेनमेंट दिया जाए और एक नया ट्विस्ट दिया जाए जो उन्होंने सोचा नहीं है सो so, हमको कौन से शो अच्छे लगते हैं कि उही यार ये गज़ब ये तो हमने सोचा ही नहीं एंड ये दिस शो इज़ फुल ऑफ दो सरप्राइजेस आप इसमें कैरेक्टर्स भी जो आते हैं चाहे वो जो ढेंचा हो चाहे लप्पू हो चाहे मतलब शुभ्रो ने जो कैरेक्टर किया है जितने भी कैरेक्टर आते हैं और जितने मंदोबुआ से लेके अशोक लता से लेके शोभा से लेके बिंदी ये लोग सब इतने ज़्यादा वैलिड कैरेक्टर हैं कि आपको सिर्फ कलर्स दिखते हैं और आपको लगता है ये कितना कमाल वर्ल्ड है और स्टिल उस सब के बावजूद आपको लगता है कि हमारे अगल बगल कहानी है हमने देखा है ऐसे लोग हमको पता है हाँ 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 ये तो ये तो बुआ तो ऐसी होती हैं ये तो ऐसे होते हैं वो तो आके परेशान करती हैं यू नो वो इतना ज़्यादा आसपास का है बट स्टिल हम उसको देख के अनदेखा कर देते हैं और ये ये उनका विचित्र दिमाग है विचित्र किंतु सत्य वाला दिमाग है पुनीत भाई का जो ये सब देख के उसको वीव करके एक एक एंटरटेनिंग सीरीज लिखते हैं लेट्स डू इट तो ऑब्वियस है, <laughs> है मतलब बट मोर इंपॉर्टेंटली आई वाज वेरी क्यूरियस अबाउट हु इज पुनीत कृष्णा एंड फॉर मी इट वाज नॉट अबाउट मिर्ज़ापुर यू नो फॉर मी इट वाज हु इज दिस मैन एंड हु लाइक व्हाट हाउ डज ही कम अक्रॉस व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ही दैट ही हैज रिटन वुमेन लाइक दिस that he has written men like this, you know, that wh what is his point of view of life, you know. I was so curious that uh, obviously one is not going to say no to such a well-written show. A, it's rare, it's B, it's, it's, it's even rarer to see a show in which every character is given, um, you know, enough room to play and make a, you know, make it memorable, you know. Um,

the person and the, and i i really went for that Ki even if for any reason should he change his mind about casting me or something happened some somebody says some producer changes their mind i'm not going to let go of him like i will follow him to the <laughs> end of the earth <laughs> you know uh, because that i know that in your life you will meet only few people l like this you know uh <laughs> <laughs> पर ऐसे बात कीजिए जो मतलब यू नो अ बिट रियलिस्टिक आल्सो बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद फिल्म अबाउट मैन बाय मैन फॉर मैन बट इट वुड बी नाइस इफ यू सॉ मैन हुआ रियल बिकॉज आई डोंट थिंक द वे वी पोर्ट्रे मैन इन आवर सिनेमा इज़ रियली रियलिस्टिक यू नो सो अगर आपको औरतों में इंटरेस्ट नहीं है तो हमें सपोर्टिंग करेक्टर्स या जैस ऐसे स्पेस फिल करने के लिए डेकोरेशन के लिए मत लिखिए बट uh, अगर आप लिख रहे हैं uh, मर्दों के बारे में तो थोड़ा कुछ डेप्थ में जाइए बिकॉज देन एंड द मोर यू गोइंग टू द डेप्थ रियलाइज इट्स अ क्राइसिस इट्स एन आइडेंटिटी क्राइसिस यू नो बिकॉज वी हैव डन टू मच ऑफ दिस मैन वोमन मैन वोमन मैन वोमन हमने इतनी सेपरेशन्स की हैं इट डीज़ आर पार्टिशंस दीज आर मैन मेड पार्टिशंस और हमने देखा है पार्टीशन से क्या होता है जस्ट हिस्टोरिकली ऑल्सो यू नो एक आप किसी एक एक एंटिटी को आप ऐसे काट रहे हो और बोलो कि ये ऐसे बिहेव करेगा ये ऐसे बिहेव करेगा पर जहाँ जो जुड़ता है उसका क्या होगा इल बी जस्ट अ एंड ऑफ नर्व्स यू नो And you have actually, when we are so obsessed with this idea of masculinity and this idea of femininity, but actually you're just cutting people and restraining them and confusing them into believing that this is all they, that they can be. And I think, and I think the show, the way the men and the women have been portrayed in this show, it really begs you to leave aside these old ways of, uh, you know, and limiting ways of looking at human beings. आई थिंक मेरे लिए चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा था कि मतलब मेरे कारण कुछ गड़बड़ी ना हो क्योंकि इतना अच्छा लिखा है मैं वो कर पाऊँ मैं वो सब कर पाऊँ जो पुनीत ने सोचा था या जो जो क्योंकि ये मतलब आपने देखा है नौ एपिसोड हैं और कितना सारे मेहनत कितने सारे लोगों की गई है एंड एंड ऑफ तो द डे क्या होता है कि कैमरा के आगे, आगे आप जितना जियोगे उतना उन सबकी मेहनत बाहर लोगों को दिखेगी तो ऐसे समय ज़्यादा चैलेंज हो जाता है कि कोई हर आदमी इतनी मेहनत कर रहा है और हम पूरी जिम्मेदारी जो है हम कैमरा के आगे हमारे पास हो जाती है तो वो पूरी जिम्मेदारी थी कि बस मैं इसको ऐसे अच्छे से कर दूँ कि पुनीत अंत में बोले कि हाँ यही त्रिभुवन मिश्रा था मेरा और हम सबको तो फिर भी ब्रेक मिलता था बट मानव ने एवर ब्रेक यू नो बिकॉज ही वॉज जस्ट ऑलमोस्ट इन एवरी सीन फटीग कि हाँ हा, आ तो आ, आ जाओ हां करना आपके साथ सीन हाँ बताइए <laughs> क्या है यू नो बिकॉज़ ही इज ही डिडंट हैव ही आल्सो had such a sense आई डोंट नो हाउ वी डिड इट नहीं नहीं लेकिन लेकिन उस समय हम लोग वैसे भी गुजर रहे थे मतलब सेकंड वेव से और थर्ड वेव से तो बीच-बीच में इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस थे इतना सारा था कि हम ये नहीं कर और एट टाइम्स पुनीत भाई और हम लोग जब अपने मतलब हमारे मेकअप वैन में डिस्कस करते थे अब मास्क लगा है आप डिस्कस भी कर रहे हो सीन तो ऐसा लगता था, था भाई हटाओ मास्क थोड़ा सा समझने दो सीन अच्छे से सो so, उस सारे कंस्टेंट में हमने पूरा सीरीज बनाई और आपने देखा डेली जब हम शूट कर रहे हैं कितना क्योटिक शूट था एट द सेम टाइम एक थ्रेड वो भी था कि भाई कोविड भी है तो वो उस सब में हम लोगों ने ये पुल ऑफ किया है ये काफी मैजिकल है एंड थैंक थैंक्स तू द टीम प्रोडक्शन टीम इट्स टू ऑल बेस्ट प्रोडक्शन टीम आई वर्क्ड विद लाइक यू नो बिकॉज़ नॉट टू स्टू पीपल इन अ रूम इट्स अ ह्यूज कास्ट ह्यूज कास्ट इट्स अ ह्यूज कास्ट विथ अ रियली इमेजिनेटिव्स प्रेमिस एंड आई डोंट वांट टू कॉल इट Neither find them crazy nor do I find it wacko. Like I don't even know what these words mean. I feel it's a re-imagination which was in a certain scale. You know, and the scale is not small, it's not intimate, it's huge. So to pull that off, and it's a first-time, it's a maiden project for our producers, Rangila Pictures that comprises of our showrunner, our writer, creator, director. Puneet and uh, Vineet and Ram Sampath. And I honestly, having done a few projects, and I really was that I wish them well, but I knew it was the maiden projects. So I was prepared for, you know, things to go wrong. But they did not. In yes. fact, they exceeded my uh, even wildest expectations. And I think it, it's because their understanding and the respect that they had. अमंगस टीच अदर एंड फॉर पीपल इन जनरल इज सो हाई डेट देव डन दैट डबल वाला की बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं फॉर देट यू हैव टू हैव अ वेरी लो ओपिनियन अबाउट ह्यूमैनिटी दे हैवे वेरी हाई ओपिनियन अबाउट ह्यूमैनिटी दे एक्चुअली बिलीव इट्स यू नो वी आर ह्यूमन बिच नो इफ वी फॉर राइट बिकॉजो मुझे डायरेक्शन इन, टीम है हमारी जो जो मतलब दोनों यूनिट में भी थी बराबर और मैंने उतने अच्छी डायरेक्शन टीम नहीं देखी है उनको मतलब सबको देख के ऐसा लगता था दे आर द डायरेक्टर्स उनका शो है ये गलत नहीं जाना चाहिए कुछ भी और mm -hmm. uh, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग्स जो काम कर रहे थे इस शो पर और यंग बंच और इतना एंथज और इतना मेहनत है कि उनको शायद नींद भी बहुत कम मिलती थी लेकिन दे वर देयर ऑल द टाइम बहुत सुंदर टीम थी आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है mm -hmm. आप जो एक कंप्लेन होती है कि इंडिया में ऐसे शो क्यों नहीं बनते हैं आई थिंक ये वाला शो वो वाली कंप्लेन आपकी ख़त्म कर देगा कि इंडिया में भी ऐसे शो बन सकते हैं बिल्कुल 18 जुलाई को आ रही है हमारी शो नेटफ्लिक्स पे जरूर देखिएगा मज़ा आएगा मोहन <laughs> मिश्रा सी ए टॉपर